हेलो एवरीवन, आज मैं एक मार्बल आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको मैंने दो तरह के कस्टर्ड पाउडर का यूज़ करके बनाया है। यह देखने में बहुत सुंदर लगती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो देखते हैं इस आइसक्रीम को कैसे बनाते हैं। इसके लिए 1 लीटर दूध, क्रीम जिसको पहले से व्हिप किया हुआ है, शक्कर, वेनिला कस्टर्ड पाउडर और स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर लिया है। सबसे पहले दूध को गर्म करने के लिए रख देंगे। अब उसमें करीब 4 चम्मच शक्कर मिलाएंगे। अगर आप स्वीटनेस बढ़ाना चाहते हैं तो शक्कर की मात्रा को भी बढ़ा सकते हैं। इसको मिलाकर बॉइल आने तक के लिए रख देंगे। अब एक अलग बर्तन में 4 चम्मच वेनिला कस्टर्ड पाउडर लेंगे। उसमें थोड़ा सा दूध डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी तरह स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर लेंगे 4 स्पून। इसमें दूध डालकर इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह दोनों मिक्सचर रेडी हो गए हैं। अब दूध अच्छे से बॉइल्ड हो चुका है, इसको बंद कर देंगे और एक अलग बर्तन में आधा क्वांटिटी दूध निकाल देंगे। इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड वाला मिक्सचर डाल देंगे। मिक्सचर को लगातार हिलाते हुए मिलाना है। अब दूध को फिर से गर्म करने के लिए रख देंगे। दूध को लगातार चम्मच से हिलाते रहना है। जब दूध बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा फिर इसको बंद कर देंगे। इसी तरह जो हमने बाकी आधा दूध बचाया था उसमें वेनिला मिक्सचर को मिला देंगे। दूध को दोबारा से गर्म करने के लिए रखेंगे, लगातार हिलाते हुए दूध को गाढ़ा होने तक गर्म करेंगे। यह गाढ़ा हो चुका है। अब बंद कर देंगे। ये दोनों कस्टर्ड रेडी हो चुके हैं। इनको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसको बीटर की हेल्प से अच्छे से बीट करेंगे। करीब 3 से 4 मिनट बीट करते रहेंगे। इससे आइसक्रीम बहुत सॉफ्ट बनती है। अब इसमें करीब 3 चम्मच क्रीम मिला देंगे जो पहले से व्हिप किया हुआ है। और एक बार फिर बीटर से बीट करेंगे।
क्रीम मिलाने के बाद हमें बहुत ज्यादा देर तक बीट नहीं करना है। अब ये एकदम परफेक्ट रेडी हो चुका है। इसको एक बर्तन में डालकर रख देंगे। इसी तरह से हम वैनिला कस्टर्ड को भी बीटर से बीट करेंगे। तीन से चार मिनट तक इसको बीट करते रहेंगे। अब ये अच्छे से बीट हो चुका है। अब इसमें भी करीब 3 चम्मच क्रीम मिला देंगे। इसको एक बार फिर बीट करेंगे। अब इसको भी एक अलग बर्तन में पलट लेंगे। अब इन दोनों कस्टर्ड मिक्सचर को अच्छे से कवर करके 2 घंटे के लिए फ्रीजर में जमाने के लिए रख देंगे। दो घंटे बाद मैंने इसे निकाल लिया है। अब ये हल्के हल्का आइसक्रीम जम चुका है। अब इसको एक एक करके बीटर की हेल्प से फिर से बीट करेंगे। यह प्रोसेस करने से आइसक्रीम बहुत सॉफ्ट बनती है। ऐसे ही दूसरे कस्टर्ड को भी अच्छे से बीट कर लेंगे। अब इसको फिर से जमाने के लिए एक अलग बर्तन में लेयर्स डालेंगे। सबसे पहले पिंक कस्टर्ड की लेयर, उसके ऊपर वेनिला कस्टर्ड की लेयर, इसको अच्छे से कवर करना है। फिर से स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड की लेयर, इसको चारों तरफ अच्छे से फैला देना है। अब वेनिला कस्टर्ड की लेयर, यहाँ पर मैंने राउंड शेप का कंटेनर लिया है। आप चाहें तो स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप का भी ले सकते हैं। अब इसको किसी पतले नोक के नाइफ या किसी दूसरे स्पून से धीरे धीरे हल्का सा हिला देंगे और अच्छे से कवर करके फ्रीजर में 4 से 5 घंटे के लिए जमाने के लिए रख देंगे। अब ये आइसक्रीम रेडी हो गई है। इसको नाइफ की हेल्प से बाहर निकाल लेंगे। और ये देखिए हमारी मार्बल आइसक्रीम एकदम रेडी है। इसमें 2 कलर दिखाई दे रहे हैं,
अंदर से यह बहुत देखने में सुंदर लग रही है। इसको सर्व करने से पहले हनी से गार्निश कर देंगे और फिर सर्व करेंगे।